बीजेपी में जो हालात दिख रहे हैं मुझे, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कारण नहीं है कि ये अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर कर लोगों के बीच में काम ना करें। आचार संहिता के समय से सब काम अटके हुए हैं और राजस्थान में ये परंपरा है 30 साल में कि पाँच साल कांग्रेस रहती है, 5 साल की बीजेपी सरकार आती है। उस ट्रेंड को, उस परंपरा को तोड़ने का हमने पूरा प्रयास किया। मुझे खेद है कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए। पहली बात तो ये बात ठीक है, 4 स्टेट्स में हमारी सरकार सिर्फ तेलंगाना में बनी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारा वोट शेयर जो है वो लगभग इंटैक्ट है, कई जगह बढ़ा भी है। हम चुनाव नहीं जीत सके उसका दुख हम सबको है। और राजस्थान में ये परंपरा है 30 साल में कि पाँच साल कांग्रेस रहती है, 5 साल फिर बीजेपी सरकार आती है। उस ट्रेंड को, उस परंपरा को तोड़ने का हमने पूरा प्रयास किया। मुझे खेद है कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे 69 विधायक जीत कर गए हैं। और बीजेपी में जो हालात दिख रहे हैं मुझे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना था, मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। तो इतने लंबे समय तक अगर अनिश्चितता रहती है, इनडिसीजन रहता है, तो लोगों में गलत प्रभाव जाता है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कारण नहीं है कि ये अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर कर लोगों के बीच में काम ना करें। आचार संहिता के समय से सब काम अटके हुए हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है कि सरकार बनने के बाद एक तरफ कहा जा रहा था कि पुरानी योजनाओं को हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रहार जो सरकार ने किया है वो रोज़गार पर किया है। अगर आपको योजना का नाम पसंद नहीं है, आपको काम करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, आप बदल सकते हो, लेकिन इतने हजारों नौजवानों को सरकार बनने के बाद बिना वजह आप उनकी नौकरी समाप्त कर दें, ये एक गलत संकेत जाता है, नकारात्मक सोच है। आप नए अपॉर्चुनिटी ना दे पाएं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे उनको आप बंद करें, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और युवाओं को न्याय, युवाओं को रोज़गार, युवाओं को अवसर देने की बात कर कर ये सरकार बनी थी। और पहले कदम में, अभी तो सरकार पूरी बनी भी नहीं है, अभी तो मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ है, शपथ नहीं हुई है मंत्रियों की, और अभी से ही इस प्रकार की सरकार के जो कदम है वो लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा करते हैं। बहरहाल ये उपचुनाव है, ये इम्पोर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए, हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, पूरा हमारा पार्टी का संगठन लगा हुआ है और जनता की भावना हमारे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को भी एक आईना दिखाने वाला काम होगा जब 5 तारीख को मतदान यहाँ पर होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।